आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौथ टेक्निकल के साथ। मैं हूँ शिव। आज हम बात करेंगे वेदवती के बारे में कि वेदवती के श्राप के कारण रावण की हुई थी मृत्यु। एक कथा के अनुसार एक वेदवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था। वेदवती बहुत सुंदर कन्या थी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे वेदवती बड़ी होती गई और उसकी भक्ति और ज़्यादा बढ़ती गई, वो भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। वेदवती भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करना चाहती थी। वो अपने इरादों में पक्की थी क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु से विवाह करना था। जब इसकी आज्ञा उन्होंने अपने घर वालों से मांगी तो उनके घर वालों ने उन्हें वन जाने से मना कर दिया और वेदवती ने अपना घर छोड़ दिया और वन में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। जब परिवार वालों ने देखा कि वेदवती वन में जाके तपस्या कर रही हैं तो कुछ दिन बाद परिवार वालों ने जाके उनको अपने घर ले आए। एक दिन जब वेदवती अपने ध्यान में ली थी तो वहीं से एक असुर निकला और वेदवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो वेदवती ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने गुस्से में आके वेदवती के माता पिता की हत्या कर दी। माता पिता के खत्म हो जाने के बाद वेदवती अकेले पड़ गई और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। एक दिन भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वेदवती ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं विष्णु भगवान आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस जन्म में तो यह मुमकिन नहीं है, पर अगले जन्म में तुम मेरी जरूर अग्नि बनोगी। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर वेदवती की श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई। वो भगवान विष्णु की आराधना और पूजा और अधिक करने लगी। एक दिन इसी तरह भगवान विष्णु की आराधना और पूजा में मग्न थी तो वहीं से एक भयानक राक्षस रावण गुजरा। रावण वेदवती की खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया और वेदवती के सामने जाकर उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। तो वेदवती ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और रावण ने उसे केस पकड़ के घसीटने लगे। तो जैसे ही रावण ने वेदवती के केस को पकड़े तो वेदवती ने अपने केस को काट दिया और कहा कि अगले जन्म में वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगी, और ऐसा बोलकर वेदवती वहीं पर भस्म हो गई। वेदवती भगवान विष्णु की परम भक्त थी इसलिए उनका श्राप खाली नहीं गया। अगले जन्म में मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली, जिनका नाम सीता पड़ा। वेदवती को भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि अगले जन्म में वो उनकी अर्धांगिनी बनेगी। तो सीता के रूप में जब वेदवती का जन्म हुआ तो सातवें अवतार जिसे बोलते हैं राम अवतार में सीता माता और राम भगवान का विवाह हुआ। जब रावण ने छल से सीता माता का अपहरण कर लिया तो राम भगवान ने रावण का वध करके सीता माता को छुड़ाया। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में रावण का विनाशक कारण बनी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी नए हैं, अगर आपने हमारा वीडियो पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें। इसी तरह मैं आपके लिए यूजफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।